I've been Chief Justice. I have not received a single complaint from any High Court judge that there has been interference in their work. Now, if there has been interference in their work, it has not been reported to me. And all the incidents that were mentioned were before my watch. So this is a thing to bear in mind because interference is not acceptable. अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं, मेरे दौर में मुदाखलत की कोई शिकायत नहीं मिली। कराची में बहुत सी पुरानी इमारतें हैं, किसी ने पुरानी बिल्डिंग्स देखनी है तो पारसी कॉलोनी जाए। मेरी तजवीज़ है कि ये इमारतें बिल्डर्स को ना दी जाएं, तारीखी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। लोग अपने सकाफती वर्से से पहचाने जाते हैं। तारीखी इमारत सिंध हाई कोर्ट से मेरी यादें वाबस्ता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कराची में तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट अदलिया में मुबैना मुदाखलत के खिलाफ सोमोटो पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतर मैनुल्ला बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर इफगान भी 6 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। नए बेंच में गुज़िश्ता समाअत करने वाले जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल नहीं होंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने तहरीर नोट में खुद को बेंच से अलग कर लिया था। पुलिस यूनिफॉर्म में आ गए जनाब परेड लेने के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब, सर ये क्या हो रहा है मुल्क में हमारा? ये बिसाखियों पे हुकूमत बैठी हुई है फॉर्म 47 की, इनका काम है ये आंसर करें। कहां पे है सर ये? यहां पे सर रेंट अप प्राइम मिनिस्टर, ये कुर्सी पे कर ले फॉर रेंट। इधर रेंटल प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा सर। ना कोई पॉलिसी स्टेटमेंट, ना इन्फ्लेशन पे बात, ना प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे बात, ना किसी और चीज पे बात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने शहबाज शरीफ को रेंट प्राइम मिनिस्टर करार दे दिया। कौमी असम्बली में ज़हरे ख्याल करते हुए कहा कि फॉर्म 47 वाला वजीर आजम कहाँ है? ये हुकूमत फॉर्म 47 की बेसाखियों पर आई है, मुल्क को मजाक बना दिया गया। हुकूमती बेंचेस खाली हैं, ये गैर संजीदगी की इलामत है। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। वजीर अला पंजाब आज पुलिस यूनिफॉर्म पहन कर आ गई, ये क्या मजाक है? शौक पूरा करने के लिए बच्चे मुख्तलिफ यूनिफॉर्म पहनते हैं। हुकूमत से पूछना चाहता हूँ ये क्या करना चाह रहे हैं? महंगाई और लाख कानूनियत बढ़ रही है, हुकूमत नोट छापने की और महंगाई बढ़ेगी। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए कोई मुल्क तैयार नहीं, हुकूमत क्लियर करे। हुकूमत ने 2 अड्डे दे दिए हैं, ये हुकूमत ऐवान को बताए 2 अड्डे किसने दिए। नेशनल एक्शन प्लान का भी रिव्यू किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, दहशतगर्दों के साथ बैठ के मामलात को डिस्कस करना चाहते हैं और नेशनल एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन को रोका गया। नेशनल काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म पॉलिसी 2024, इसका ड्राफ्ट काबीना में पहुंचा दिया गया है और उसकी भी अप्रूवल हो जाएगी। कौमी असेंबली इजलास मुल्क भर में खुदकुश हमलों और अमनो अमान की सूरत हाल पर तवज्जो दिलाओ नोटिस ऐवान में पेश। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत अताउल्लाह तारर ने कहा पीटीआई दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात किए गए। दहशतगर्दों के साथ बातचीत के लिए नेशनल एक्शन प्लान को रोका गया। 2018 में आने वाली हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए मीटिंग्स नहीं की। अदालत ने नोटिस लिया, इस्तफसार किया कि 2018 से 2022 तक अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। 2022 के बाद दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ। नेशनल एक्शन प्लान पर रिव्यू किया जा रहा है, सूबों के साथ मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत की तकरीर के दौरान अपोजिशन अराकीन का हंगामा। चेयरमैन सैनेट यूसुफ रजा गिलानी की जेर सदारत में सैनेट का इजलास। नौ मुंतखब सैनेटर फैसल वाडा और सैनेटर मौलाना वासी ने बतौर सैनेटर हल्फ उठा लिया। चेयरमैन सैनेट यूसुफ रजा गिलानी ने नौ मुंतखब सैनेटर से हल्फ लिया। बिल पर तजावीज़ मुरतब करने के लिए स्पेशल कमेटी तश्कील देने की तहरीक मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने स्पेशल कमेटी की तश्कील कर दी। स्पेशल कमेटी में सेनेटर फारूक एच नायक, आजम नज़ीर तारर और अली जफर शामिल। पीटीआई सेनेटर्स का शोर शराबा। कायदे हिज्ब इख्तलाफ सेनेटर शिबली फराज ने ज़हार ख्याल करते हुए कहा बानी पीटीआई गुज़श्ता 9 माह से पाबंदी सलासल है, उनके इस्तकामत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
वोट जमहूरियत के लिए खड़े हैं। दुख की बात है कि आज इस ऐवान में खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स मौजूद नहीं। इलेक्शन जीतने के बाद हमें मखसूस नशस्तों से महरूम किया। फैसल वाडा ने कहा, जुल्फिकार अली भुट्टो को सजा देने वालों का एहतसाब क्यों नहीं हुआ? अब जजेस को प्रेशर में डाला जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक निजाम ठीक नहीं होगा आगे नहीं बढ़ सकते। पार्टी इलेक्शन अगर आप ना करवाएंगे तो क्या हम जिम्मेदार हैं? और पार्टी निशान तो फिर नहीं मिलेगा ना? आपने लिखवाया था 215 से, अगर आप उसके अमल नहीं करेंगे कानून पे तो फिर आप उसके गिला करेंगे ट्रेडी बेंचेस पे और किसी और पे, तो मेरा जायज नहीं है, वो आपका अपना कसूर था। आए मिलकर ऐवान का तकद्दस बहाल करें और मुल्की मसाइल हल करें। कायदे ऐवान सेनेटर इसहाक डार की अपोजिशन को पेशकश। कहा, अपोजिशन लीडर सेनेट ने जो आज बातें की वो 3-4 साल पहले करते तो बेहतर होता। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात ना होने पर दुख है, लेकिन सवाल यह है कि वहाँ इलेक्शन क्यों नहीं हुए? पीटीआई के इंतखाबी निशान छिनने का दुख है। पीटीआई का इंतखाबी निशान वापस होने में उनका अपना कसूर है। जब इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि दोबारा इलेक्शन करवाएं तो क्यों कानून के मुताबिक नहीं करवाए? 9 मई को आपने कोर कमांडर हाउस और जीएच के ऊपर हमला क्यों करवाया? ये सब आपसे ब्लंडर हुआ है। अगर आप सच्चे हैं तो अदालत को मुतमईन करें और बेगुनाही साबित करें। सुप्रीम कोर्ट का कराची में सरकारी और निजी इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स, गवर्नर हाउस कराची और वजीर आला हाउस के बाहर से भी तजावुजात हटाने का हुक्म। 3 दिन में तमाम तजावुजात खत्म करके रिपोर्ट पेश की जाए। तमाम मुतालिका और सिक्योरिटी इदारों को अदालती हुक्म की कॉपी भेजने की हिदायत। किसी को आजादाना नकलो हरकत में रुकावट डालने की इजाजत नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। रास्ते बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी है। विफाकी और सूबाई हुकूमत खुद तजावुजात खड़ी कर रही है। सरकारी वकील ने बताया, रेंजर्स हेडक्वार्टर और वजीर आला हाउस के बाहर फुटपाथ पर सिक्योरिटी के पेशे नजर रुकावटें रखी हैं। आप चाहते आम आम लोगों पर चाहे हमला हो, आप महफूज रहें। दोहरा मयार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप यहां से किसी महफूज जगह मुंतकिल हो जाएं, ये जगह खाली कर दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजोरी हाइट्स के मुतासरीन को मुआवजा अदायगी का केस। तजोरी हाइट्स केस किसका है, कोई नुमाइंदगी कर रहा है? अदालत का इस्तफसार। कामरान टेसोरी तजोरी हाइट्स के मालिक हैं। आबिद जुवेरी एडवोकेट का जवाब। ये कामरान टेसोरी कौन है? चीफ जस्टिस का सवाल। कामरान टेसोरी गवर्नर सिंध हैं, आबिद जुबैरी एडवोकेट। अदालत ने 3 माह में मुतासरीन को मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया था। आप लोगों के पैसे वापस करें। चीफ जस्टिस, मुतासिम को मुआवजा अदा किया जा चुका, जो रह गया उसे भी दे देंगे। वकील बिल्डर। इंस्पेक्टर सईद हसनैन अली तरमजी के ऊपर फख्र है और आप एक अजीम बेटे के वालिद हैं। 1,35,00,000 रुपए का घर शहीद के बच्चों के लिए, बेवा के लिए, तालीम फ्री होगी बच्चों के लिए और इलाज फ्री होगा बच्चों के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद कस्टम इंस्पेक्टर हसनैन अली की रिहाइश पर आमद। अहले खाना से ज़हार तासीर। फातिहा खानी की चेक भी पेश किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहीद की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। स्मगलिंग के खात्मे के बगैर मईशियत मजबूत नहीं हो सकती। रोकथाम के लिए भरपूर कार्रवाई की हिदायत कर दी। मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाएंगे। स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों में मुआफनत पर आर्मी चीफ के शुक्रगुजार हैं। स्मगलिंग का खात्मा करके आवाम के अरबों डॉलर्स बचाएंगे। डेरा इस्माइल खान में 2 अलग-अलग वाकयात में 8 कस्टम्स अहलकारों की शहादत। पाक फौज के सीनियर कमांडर्स की शहीद होने वाले कस्टम्स अहलकारों के घरों में आमद। ISPR के मुताबिक कमांडर्स ने शहीद होने वाले कस्टम्स अहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। शहदा के अहले खाना से आर्मी चीफ की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया। शहदा के अहले खाना ने हिमायत और एहतराम देने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया।
पाकिस्तान ने अमरीकी महकमे खारजा की ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस रिपोर्ट 2023 को मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि रिपोर्ट के मंदरजात गैर मुनसिफाना है, मंदरजात गलत मालूमात पर मबनी और ज़मीनी हकीकत से बिल्कुल हटकर हैं। अमरीकी महकमे खारजा से ये तवक्को करते हैं कि वो पेचीदा मसाइल का जायजा लेते हुए मुस्तदी से काम लें। ऐसी रिपोर्ट्स को हतमी शक्ल देने में मारूजियात गैर जानबदारी और जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। यह रिपोर्ट वाज़ेह तौर पर दोहरे मयार को जाहिर करती है। इंतहाई तशवीशनाक है कि दुनिया भर में इंसानी हकूक की सूरत हाल को उजागर करने के लिए गजा और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को नजरअंदाज किया गया है। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ के जब मुझे किसी के खिलाफ फैसला करना पड़ता है तो वो मैं अपने दिल पे पत्थर रख कर करती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में इंतकाम का और ये जज्बा नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी अल्लाह ताला ने मुझे दी है। मेरे लिए ये आसान काम नहीं था, मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा, मुझे आग के दरिया से गुजर कर यहाँ पर पहुँचना पड़ा। और अच्छा हुआ मेरी ट्रेनिंग हुई, मुझे आज कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर इसलिए बैठी कि इसका बाप प्राइम मिनिस्टर है। किसी के लिए इंतकाम का जज्बा नहीं रखती, वज़ीर-ए-आला की कुर्सी पर बैठकर किसी के खिलाफ कोई फैसला करना पड़ता है तो दिल पर पत्थर रख कर करती हूँ, मुझे आग का दरिया बूर करके यहाँ तक पहुँचना पड़ा, इन हालात ने मेरी ट्रेनिंग की, ये नहीं सुनना पड़ा कि नवाज शरीफ की बेटी हूँ तो यहाँ तक पहुँची, मेरे लिए ये आसान नहीं था, मुझे अपने आप को साबित करना पड़ा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चौंग की पासिंग आउट परेड से खिताब। पुलिस के शोबे में खवातीन की तादाद बढ़ाना चाहते हैं, हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद आपकी जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का परेड का मुआयना, आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान में इनामात तकसीम किए। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने पुलिस यूनिफॉर्म पहन रखा था। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास, एक हफ्ते में कायमा कमेटियों की तश्कील पर इत्तफाक। 26 कमेटियों की चेयरमैनशिप हुकूमती इत्तेहाद, 11 की अपोजिशन को मिलेगी। फ्रेमवर्क तय, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन हुकूमती इत्तेहाद से होगा। स्पीकर अयाज सादिक हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन होंगे। हज़ारों डॉलर्स कमाने वाली बच्चियों से मिलकर खुशी हुई, तकरीब में ख़वातीन की हौसला अफजाई करने आया हूँ। सऊदी अरब में मुख्तलिफ इदारों में ख़वातीन की बड़ी तादाद काम कर रही है। नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, इनमें सलाहियतों की कमी नहीं, नौजवानों के मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म हैं। नौजवान मुल्क में कीमती ज़र मुबादला कमाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, मुल्क के नौजवानों पर सरमायाकारी करेंगे। वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ का IT के शोबे में ख़वातीन की पज़ीराई के आलमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब। ना तो तिजोरी हाइट में मेरा कोई जिक्र है, ना मेरा नाम है, ना वो मेरी है, ना मेरी फैमिली का उससे कोई ताल्लुक है, ना मेरी अहलिया की है। तो मैं बिल्कुल सख्ती से इसकी मजम्मत मेरा तर्जुमान कर भी चुका है और मैंने भी कर दी है। तिजोरी हाइट्स मेरा है, ना मेरी फैमिली का इससे ताल्लुक है। तिजोरी हाइट्स के मामले पर आबिद जुबैरी से बात की, आबिद जुबैरी ने कहा कि मैंने आपका नाम नहीं लिया, तिजोरी हाइट्स में जिसने नाम लिया है उनको सब जानते हैं, सोशल मीडिया पर मेरे बारे में मनफी बातें करने वाले को तंबीह करता हूं, कराची में स्ट्रीट क्राइम में जांबाग अफराद के लवाहिकीन से मुआफ़ी मांगता हूँ। गवर्नर सिंह कामरान खान तिजोरी की मीडिया से गुफ्तगू। आठ फरवरी को इलेक्शन में बदतरीन धांधली नहीं बल्कि आंखों पर मिर्चें डाली गईं, चोरों और डाकुओं को मुसल्लत कर दिया गया। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई ने कोई गलत काम नहीं किया, बानी पीटीआई के खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए, हमने खौफ का बुत तोड़ दिया। बानी पीटीआई को कैद में रखना किसी के बस की बात नहीं, इनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है, मई का महीना फैसला कुन होगा, अगर हमें हमारा हक ना मिला तो फिर हम इस हुकूमत पर कब्जा करके इनसे हुकूमत छीन लेंगे। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का अहम इजलास, आइंदा की हिकमत अमली तय, इत्तेहाद के बायलॉज की तैयारी के लिए कमेटी कायम कर दी गई।
ओपोजिशन ग्रैंड अलायंस के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महमूद अजकजई ने कहा, इत्तेहाद किसी इदारे के खिलाफ या बदनाम करने के लिए नहीं बनाया, इदारे आइन के दायरे में चलेंगे तो पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क बनेगा। वजीर आजम ने ताउन के लिए कहा है, बिस्मिल्लाह करें, हम पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा बनाएंगे। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, इदारों को आइन के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। बुशरा बीबी को जहर दिए जाने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई, हमारा खदशा दुरुस्त साबित हुआ, बुशरा बीबी को रिहाई मिलनी चाहिए। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, अब तो मरियम नवाज ने भी पंजाब पुलिस की वर्दी पहन ली है, अल्लाह मुल्क की खैर करे। फैसलाबाद का जलसा 10 मई को होगा, कोई उसे रोक नहीं पाएगा। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पुरअम एहतजाज का मौका दिया जाए। अक्वामे मुत्तहिदा के इदारे UNDP की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर, वज़ीरे आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीरे आला सरफराज भुट्टी ने कहा कि UNDP के साथ मिलकर सैलाब मुतासरीन के लिए 1000 जल्जला प्रूफ घर बनाने जा रहे हैं। मंसूबे के तहत बनाए गए घर 7.5 शिद्दत के जल्जले के झटके बर्दाश्त कर सकेंगे। मजदूरों के बच्चों को मुफ्त तालीम देने का मंसूबा शुरू कर रहे हैं। स्कूल में बैन अल-अक़वामी ज़बानें सिखाई जाएंगी। स्कूल से तरबियत लेने वाले अफराद बैरून ममालिक जाकर रोज़गार कमा सकेंगे। चाहते हैं कि अफरादी क़ुव्वत पैदा करें जो मुल्क की तरक्की का बायस बने। PDM की तमाम जमातों को कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। हम पीपल्स पार्टी और MKM की कामयाबी को तस्लीम नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी और MKM फॉर्म 45 पर नहीं आए, अख्तियार से ज़्यादा हासिल करने की जस्तजू से पीछे हटा जाए। जिन्होंने फैसले किए वो फंस गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर्रहमान का तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली अब्दुल खालिक अचकजई को बहाल कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का स्पीकर की मौतली का फैसला कालदम करार दे दिया। PB 51 चमन के 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का इलेक्शन कमीशन का हुक्म भी कालदम करार। अदालत ने तमाम उम्मीदवारों की रजामंदी से मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन तमाम उम्मीदवारों को सुनकर 10 रोज में फैसला करे, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी से रोक दिया। कसूर में दर्ज मुकदमे में 2 हफ्ते के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। शेर अफजल मरवत साहब कोई इलाका छोड़ा है जहां पर पर्चा नहीं हुआ? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्तफसार। पूरे मुल्क में पर्चे हो रहे हैं, शेर अफजल मरवत का जवाब। अदालत की शेर अफजल मरवत को मुतलिका अदालत में पेश होने की हिदायत। बबांगे दहल कहा कि कोई डील नहीं, कोई मुफाहमत नहीं। बहुत ही वाज़े वाशगाफ पैगाम दिया है। अमित खान साहब तो सेनेटर हैं, वो तो बन ही नहीं सकते, ये तो नेशनल असेंबली की कमेटी है। वो तो सेनेटर हैं, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है इसका चेयरमैन नेशनल असेंबली से होता है। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि बानी PTI ने कहा कोई डील और मुफाहमत नहीं होगी। हामिद खान सेनेटर हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नहीं बन सकते। बानी PTI ने सऊदी अरब से मुतालिक मेरे बयान पर सरज़नश की। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक दारुल हुकूमत में नान रोटी की कीमतों की कमी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने नान बाय वेलफेयर एसोसिएशन के सदर की दरख्वास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद में आटा महंगा है, दुकानों का किराया भी यहां ज्यादा है। वकील दरख्वास्त गुजार के दलाइल। तंदूर वालों से पूछा कि आटा कितने का रहा है कि लोगों को खुश करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद के रिमार्क्स। आइंदा समाअत पर फरीकैन तफसीली जवाब जमा करवाएं, अदालत की हिदायत। पंजाब में गंदम की खरीदारी और कीमत का मामला। पंजाब असेंबली में गंदम के इश्यूज को उजागर करने पर दुनिया न्यूज़ की गूंज।
राणा शहबाज चीफ वेब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कहा कि दुनिया न्यूज़ ने बताया कि किसानों की तंजीमें कैसे इस मामले पर एहतजाज कर रही हैं। 70 साल से हुकूमत गंदम खरीद रही है तो अब क्यों नहीं खरीद रही? सिर्फ 6 एकड़ तक गंदम खरीदना है तो बाकी किसान क्या करें? वजीर खुराक हमें कोई तरीकाकार बता दें कि 10 या 6 एकड़ वाली गंदम कैसे खरीदेंगे और कोई पॉलिसी दें। अगर हुकूमती अफसरान ने अवाम और किसान को खार करना है तो किसान कहाँ जाएगा? लोग 2800 में गंदम इधर उधर फरोख्त कर देंगे तो फिर लोगों का एतबार उठ जाएगा। हुकूमत इमदादी कीमत तो बताती है लेकिन खरीदती नहीं है।